नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का वार है और हनुमान जी की पूजा हम सभी करते हैं और साथ ही साथ जब कोई खास मनोकामना होती है तो हम उन्हें चोला चढ़ाते हैं। तो ये चोला कैसे चढ़ाया जाता है, क्या विधि है, आपको क्या सामग्री उपयोग में लानी है और क्या सही तरीका है, क्योंकि सही तरीके से अगर आप उनको चोला चढ़ाएंगे, उन्हें पहनाएंगे तो आपको ज़रूर फायदा होगा, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। लेकिन साथ ही साथ इसको उतारना कैसे है ये भी हम आपको बताएंगे और आपकी समस्याओं के हल तो हम आपको देंगे ही। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। शो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हम चोले की बात करने वाले हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि ये चोला कितना महत्व रखता है और इसके लिए क्या क्या सामग्री हमें उपयोग में लानी है। गुलाब ट्रिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शोगुलक टिप्स में हम बात करेंगे आपके और हम सब के प्रिय हनुमान जी महाराज को चढ़ाने वाले चोले के महत्व के बारे में, चोले को चढ़ाने की विधि के बारे में और उतरे हुए चोले के चमत्कारिक उपायों के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइएगा और लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। दोस्तों, हनुमान जी महाराज बेहद ही सरल है, तुरंत खुश होने वाले देवताओं में से है, अजर अमर माना गया है। हनुमान जी महाराज कलयुग के अवतार हैं जो थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय, बहुत सी साधनाएं शास्त्रों में बताई गई है। उन सभी उपायों में और साधनाओं में एक उपाय साधना जो है वो है हनुमान जी महाराज को सिंदूर का चोला चढ़ाना। निश्चित तौर पर हनुमान जी महाराज को सिंदूर का चोला चढ़ाने से आपकी हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, आपके हमारे हर संकट, हर परेशानी दूर होती है। तो आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम आपको बताएंगे आपको हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाने की विधि, उतरे हुए चोले के चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रहा हूं। तो लिखते जाइए, समझते जाइए। सबसे पहले सामग्री, हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाने में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। सिंदूर सबसे पहली सामग्री और महत्वपूर्ण सामग्री। सिंदूर, गौ माता का देशी घी या चमेली का तेल, कुमकुम, अक्षत, एक गुलाब के पुष्प की माला, शुद्ध जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला हो हनुमान जी महाराज को पवित्र स्नान कराने के लिए, सोने या चांदी का वर्क, धूप बत्ती, दीप, प्रसाद, फल, गुड़ चना इत्यादि और पान का बीड़ा, ये सब हनुमान जी महाराज के चोला चढ़ाने के लिए ये सामग्री की हमें आवश्यकता होती है। चलिए, तो पंडित जी सामग्री तो आपने हमें बता दी, लेकिन इसके साथ ही विधि भी आपसे जानेंगे कि अब जब हम इतनी सामग्री ले रहे हैं, जो चोला हम चढ़ाएंगे उसमें विधि क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। तो आज के हमारे पहले कॉलर हैं राजेश जी, अलवर से ये जुड़ गए हैं और भाई के लिए जानना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, 20 अगस्त 1995। राजेश जी, स्वागत है आपका। समय है तो समय बताएं भाई का। समय तो नहीं, राधे राधे पंडित जी। राधे राधे बेटा, प्रश्न पूछे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, उनको टेक्निकल फील्ड में जैसे जॉब मिलती है लेकिन वो जा नहीं पाते हैं, और दूसरा वो भी फिलहाल टीचिंग लाइन में है, तो वो किस सेक्टर में जॉब उनके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, जहाँ तक इनकी जन्म कुंडली का सवाल है, टीचिंग लाइन में इनके लिए सूट करती है और टेक्निकल लाइन भी सूट करती है। टेक्निकल लाइन इसलिए कि शनि इनका स्वग्रही है, टीचिंग इसलिए कि चंद्रमा इनकी कुंडली में उच्च का है, तुला राशि इनकी जो है उसके हिसाब से। एक तो इनकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वैसे वृषभ राशि है, जन्म से जो इनकी राशि है वो है वृषभ राशि है, और शुक्रास्त और शनि वक्री है। अगर टेक्निकल साइड में इनको नौकरी करनी है तो इनको एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करके रखना होगा, छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो।
नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और मुझे लगता है कि ही विल बी मोर सक्सेस इन द टेक्निकल साइड। अगर ये अपने क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता इनके कदमों को चूमेगी। चलिए तो ये तो राजेश जी आपके लिए उपाय बता दिए हैं और सफलता भी आपके भाई को मिल जाएगी। आगे देविका हरियाणा से जुड़ गई हैं, वो भी अपने भाई के लिए जानना चाहती हैं। 11 अगस्त 1995 और 8 बजे का सुबह का समय है, 11 अगस्त 1995। देविका जी बताएं भाई के लिए क्या पूछना है। पंडित जी, मेरा भाई ना किसी चीज में अपनी रुचि नहीं दिखाता, ना पढ़ने में देखिए बेटा, जहाँ तक आपके ब्रदर की वैसे जन्मकुंडली का सवाल है, वैसे तो ऐसे दशाओं में तो उसको ऐसा कुछ नहीं लगता है कि इसका इस तरह, क्योंकि इसका शनि स्वग्रही है, एजुकेशन हाउस का मालिक गुरु है। अगर पर पढ़ाई के शिक्षा के क्षेत्र में जाता और लॉ करता तो ये काफ़ी बड़े अच्छा वकील बन सकता था, सरकारी नौकरी के भी इसके योग बनते हैं। लेकिन चूँकि ये इट्स ए काइंड ऑफ डिप्रेशन, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक मंत्र ओम लक्ष्मी कांतम नमः, ओम लक्ष्मी कांतम नमः, या तो संभव हो तो भाई करे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप घर के भाई बहन सदस्य उसकी मदद कर सकते हैं। तुलसी जी की परिक्रमा करनी है 11-21, हाथ में जल का लोटा ले लीजिएगा, जल का कलश ले लीजिएगा, तुलसी पत्ता डाल के ओम लक्ष्मी कांतम नमः, ओम लक्ष्मी कांतम नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11-21 परिक्रमा कीजिए, फिर वो जल और तुलसी का सेवन अपने भाई को करवा दीजिए। 40 दिन जरूरी नहीं, कंटिन्यूस 40 दिन ये उपाय कीजिएगा, आपके ब्रदर का जो डिप्रेशन है वो स्वतः ही दूर हो जाएगा। जी राहुल जी भरतपुर से जुड़ गए हैं, 15 जुलाई 1994 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है, बताएं सवाल क्या है और अगर आपका समय है तो समय भी बताएं। जी मैम, मेरा जन्म का समय है 15 जुलाई 1994 रात को 12 से 1 बजे के बीच में। प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न सर ये है कि मेरे नौकरी नहीं रख पा रही है। देखिए जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली जो आपने समय दिया है उसके हिसाब से 18 साल की आपकी राहु की महादशा है और उस राहु की महादशा के कारण आपके अड़चन रुकावट आती है और ये राहु की महादशा जो है वो अब आपके ख़त्म होने वाली है थोड़े से समय के अंदर। 6 महीने बाद राहु की महादशा ख़त्म हो जाएगी और फिर गुरु की महादशा शुरू होगी, आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो तीन उपाय बता देता हूँ। 2 रोटी दही में चूर के शक्कर मिलाकर कुत्ते को खिलानी है रोजाना 21 दिन। 2 रोटी शक्कर मिलाकर दूध या दही में कुत्ते को खिलानी है। गौ माता को पालक खिलाना है 21 दिन और 21 दिन ही सुंदरकांड का पाठ करना है। निश्चित तौर पे 22वें दिन आपकी नौकरी आपके हाथ में होगी अगर आप ये तीनों उपाय कंटिन्यूस 21 दिन करते हैं। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपकी समस्या का हल भी आपको मिल गया होगा। राम जी चित्तौड़गढ़ से जुड़ गए हैं पंडित जी, इनका कॉल लेते हैं। राम अपने बेटे के लिए जानना चाहते हैं। 10 मई 1995 और 6:50 सुबह का समय। राम बताएं क्या सवाल है आपका। राधे राधे सर। राधे राधे सर जी, प्रश्न। राधे राधे। राधे राधे राम जी, प्रश्न पूछो आप। जी टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए राम जी, सवाल कीजिए। नहीं है, मेरे को मेरे बेटे की कोई परेशानी आ रही है कुंडली में। बताओ कहीं पूछना आपने। शादी के लिए प्रश्न पूछो आप। शादी के लिए पूछ। देखिए जहाँ तक राम जी आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, वैसे इस बच्चे के ग्रह बहुत अच्छे हैं। सूर्य इसकी कुंडली में उच्च का होकर बैठा है, शुक्र इसकी जन्म कुंडली में उच्च का है, लेकिन दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है मंगल, वो इसकी जन्म कुंडली में नीच का है, जिसके कारण इसके विवाह के सुख में कमी होती है। और अभी तो बहुत छोटा है इसलिए इतनी जल्दी भी नहीं, आप परेशान मत होइए, लेकिन जब भी आप इसका विवाह करें तो योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह कीजिएगा, क्योंकि इसकी कुंडली में द्विविवाह का योग है। इस बच्चे को जो है वो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए मंगलवार को, पाठ नहीं करे तो मंगलवार का फास्ट करना चाहिए। इस साल दीपावली के आसपास में इसका संबंध तय हो जाएगा और अगले साल की शुरुआत में इसका विवाह हो जाएगा। और साल में एक बार इसके जन्मदिन पे आसपास में कोई मंगलवार का दिन हो तो गुड़ का दान गौशाला में अवश्य कीजिएगा।
तो उम्मीद करते हैं राम जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, और जो टिप्स पंडित जी ने आपको दी हैं वो टिप कीजिएगा, आपके बेटे की शादी जल्दी से हो जाएगी। आगे प्रदीप जी अजमेर से जुड़ गए हैं, इनका कॉल लेते हैं। बेटी के लिए ये जानना चाहते हैं, 6 जुलाई 1994 और 7:16 का सुबह का समय। प्रदीप जी सवाल कीजिए। देखिए प्रदीप जी, जहाँ तक बच्ची की कुंडली का सवाल है, राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा में भी वैसे इसको शुक्र का अंतर चल रहा है। अब बच्ची की जन्म कुंडली का अगर विश्लेषण करें तो इसके दाम्पत्य घर का भाव जो है, सप्तम भाव का जो स्वामी है शनि, वो वक्री होकर अष्टम भाव में चला गया है। एक तो लोहे का छल्ला, इसको तुरंत प्रभाव से मध्यमा उंगली में पहना दीजिएगा, छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो। हमें लगता है कि इसके विवाह का योग जो है वो अभी 1 जून के आसपास में, मार्च से जून के बीच में ही आगे आने वाले 5 महीने में इसका विवाह तय हो जाता है, और इसके विवाह संबंध तय होकर इसी वर्ष इसके विवाह हो जाएगा। उपाय के तौर पे एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में, और इसको बोलिए कि तुलसी जी की नियमित रूप से परिक्रमा करनी, केला और तुलसी जी का पौधा साथ साथ रखे। ओम विष्णवे नमः, ओम शिमशिये नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिमशिये नमः, रोजाना 11, 21, 51, 108 परिक्रमा करें, घी का दीपक जलाए, जल का अर्पण प्रदान करें। अगर ये उपाय करती है तो निश्चित तौर पे विदिन ए मंथ इसका संबंध तय हो जाएगा। चलिए तो ये तो आपके सवालों के जवाब हुए जो हम लगातार आपको दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आज हम बात कर रहे हैं चोली की, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। तो अगर आप भी चढ़ाना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि किस विधि से इसको चढ़ाएं, तो सामग्री तो हमने आपको बता दी पंडित जी, अब विधि आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और महत्वपूर्ण जवाब भी है। आप सभी दर्शकों को इसको बहुत ध्यान से इसको सुनना चाहिए। हनुमान जी महाराज को चोला कैसे चढ़ाए, विधि क्या है? हनुमान जी महाराज को चोला सिर्फ उसी मूर्ति पर चढ़ाया जाना चाहिए जो सिंदूरी रंग की हो। इसलिए सबसे पहले हनुमान जी महाराज की ऐसी मूर्ति देखिए, ऐसा मंदिर देखिए जिसमें सिंदूरी रंग के हनुमान जी स्थापित हो। मंदिर पहुंचने पर हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें। अगर हनुमान जी महाराज की मूर्ति पर पहले से कोई चोला चढ़ा हुआ है तो उसे उतारिएगा। फिर हनुमान जी महाराज को अलग अलग प्रकार के रसों से, पंचामृत से, दूध से हनुमान जी महाराज को स्नान करवाइएगा। तत्पश्चात सिंदूर को गौ माता के देशी घी में या चबेली के तेल में अच्छी तरीके से उसको घोल लीजिएगा, मूर्ति की जो साइज है उसके अनुसार। चमेली का तेल में सिंदूर का घोल तैयार होने के पश्चात हनुमान जी महाराज के पांव से सिंदूर लगाना शुरू कीजिए, कभी भी मस्तक से नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले चरणों से सिंदूर लगाना शुरू कीजिए। ओम हनुमन्ते नमः, ओम हनुमन्ते नमः, इस मंत्र का या हनुमान चालीसा का जाप करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाना है, पांव से मस्तक की तरफ बढ़ना है। जाप करते हुए ऊपर बढ़ते हुए पूरी मूर्ति के ऊपर आपको सिंदूर लगाना है। सिंदूर लगाने के पश्चात पे उसके मूर्ति के ऊपर माली पन्ना चिपकाइए, पैर और हाथों पर फिर धूप दीप के दर्शन कराइए, कुमकुम चावल से उनको तिलक कीजिए, वस्त्र अर्पण कीजिए, हनुमान जी महाराज को गुलाब की माला अर्पण कीजिए, जनेऊ अर्पण कीजिए, इत्र अर्पण कीजिए, पान का बीड़ा अर्पण कीजिए, बूंदी या गुड़ चने का प्रसाद अर्पण कीजिए, फल दक्षिणा इत्यादि अर्पण कीजिए। ये सब कार्य पूर्ण होने पर 11 बार हनुमान चालीसा का वहीं बैठ के पाठ करें। पाठ पूर्ण होने पर हनुमान जी महाराज से जो प्रार्थना करनी है वो कर लीजिए और आज्ञा लेकर घर आ जाइए। इस प्रकार इस विधि से यदि आप चोला चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर हनुमान जी प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। विधि आपको बता दी है, अगर इस विधि से अगर आप चोला चढ़ाते हैं तो देखिए आपकी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाएंगी। तो ये तो विधि हुई कि किस विधि से आपको चोला चढ़ाना है, लेकिन किस विधि से उतारना है, किस तरह सावधानी आपको रखनी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आनंद जी का कॉल लेते हैं। पंडित जी भीलवाड़ा से ये जुड़ गए हैं हमारे साथ, और 13 जुलाई 1991 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, 2:15 दोपहर का समय। आनंद जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। गुरुदेव प्रणाम। शुभ आशीर्वाद, जय श्री कृष्णा। गुरुदेव बहुत
मास्टरी करने के बाद भी जॉब नहीं लग पा रही है गुरुदेव। देखिए जहाँ तक जन्म कुंडली का सवाल है, शुक्र की महादशा और शुक्र की महादशा में भी राहु का अंतर शुरू हो चुका है नवंबर 2019 से और ये चलेगा नवंबर 2022 तक। राहु का काम है हर चीज में अड़चन लाना, रुकावट लाना, कोई भी काम सीधा नहीं होना। वैसे आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, आपके दसम भाव में गज केसरी योग बना हुआ है और उसके साथ में बुध भी साथ में बैठा है। ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली में इतने तीन शुभ ग्रह अगर दसम भाव में बैठते हैं तो कलेक्टर बनते हैं। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट कंपटीशन की आपको तैयारी करनी चाहिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए और जहाँ तक नौकरी का मैटर है आपके अगले 6 महीने के अंदर नौकरी लग जाएगी प्राइवेट सेक्टर में। सरकारी नौकरी करते तो 1 साल में आपकी नौकरी लग जाएगी। उपाय के तौर पे एक तो नियमित रूप से आपको हर बुधवार को गौ माता की सेवा करनी है, सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना है, उनके सामने खड़े होकर 11-21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। सरकारी नौकरी या जो भी प्राइवेट नौकरी आप चाहते हैं बहुत जल्दी आपको प्राप्त होगी। जी और ये तो बात हो गई कि आनंद जी आपको किस तरह से नौकरी मिलेगी और कितने समय में मिलेगी, लेकिन आगे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित जी, जय प्रकाश जी, उनका कॉल भी ले लेते हैं। और ये हमारे साथ डेट ऑफ बर्थ बेटे के लिए जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, 16 मार्च 1996 और 1:15 रात का समय। जय प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है, सवाल बताएं। जी मैं ये पूछना है क्योंकि इसका लड़के का जाना रोजगार कब लेगा और इसका मन जो था पहले तो बहुत, जब जो हाई स्कूल इंटर किया इन्होंने बहुत अच्छा था, लेकिन अब क्या नाम वो ईशान ही करता। और ये, आप ये बताइए इसका 15 की रात का जन्म है या 16 की रात का है? नहीं ये है 15 हुई जैसा और 15 के बाद में सुबह 16 लग गई थी, 16 आती है उस रात का जन्म है। ठीक है, देखिए ऐसा है जयप्रकाश जी, एक तो बच्चे को राहु की 18 साल की महादशा चल रही है, ऊपर से इसकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि और केतु तीन ग्रह एक साथ बैठे, भारी पितृदोष भी बनता है, मन का उच्चाटन का कारण भी बनता है और राहु तो सांप है टेढ़ा चलता है, तो कहीं ना कहीं इस बच्चे के जो ग्रह हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण इस बच्चे के मन में इतना उच्चाटन अनस्टेबिलिटी है। पितृदोष की विधिवत पूजा अर्चना करवाइए और उसके साथ में घर में जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं रसोड़े में, वहाँ पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए। इस बच्चे को एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर धारण करवाइए, 7.25 रत्तिका चांदी में। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही और 3 पीस इमरती के वहाँ पे अर्पण करें, चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जलाए। निश्चित तौर पर इसके जो व्यवहार में जो उतार चढ़ाव है वो काफ़ी उसके अंदर आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चलिए तो जयप्रकाश जी आपकी समस्या का हल उम्मीद करते हैं आपको मिल गया होगा, टिप्स पंडित जी ने बता दिए हैं वो जरूर कीजिएगा। और चोले की चूंकि आज हम बात कर रहे हैं, विधि पंडित जी ने हमें बता दी है, लेकिन जब हम चोला चढ़ाएं तो क्या सावधानी रखना है और जब चोला उतर रहा हो तो उसको अगर आप अपने पास रखेंगे तो वो कितना आपके लिए लाभदायक है और कैसे आप उस पर उसको उपाय के तौर पर कर सकते हैं कोई भी समस्या आपके जीवन में आ रही हो, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं चाहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और दर्शकों आज हम बात कर रहे हैं हनुमान जी के चोले की, तो चोला चढ़ाते हुए आपको क्या सावधानी रखनी है और अगर चोला उतर रहा हो
तो आप उसको कैसे चमत्कारिक तौर पर उपाय में ला सकते हैं, क्या उसकी महिमा होती है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सावधानी की बात कर लेते हैं कि फनी जी, जब हम चोला चढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या सावधानी हमको रखनी है। आई दोस्तों, समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चोला चढ़ाते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले महिलाओं को, स्त्रियों को, बालिकाओं को चोला नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही चोला चढ़ाते समय किसी भी स्त्री को, महिला को, बालिकाओं को हनुमान जी महाराज को देखना चाहिए। इसलिए किसी भी महिला स्त्री को जिस वक्त चोला चढ़ रहा हो उस वक्त मंदिर में मौजूद नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण जो चीज है, सिंदूर हमेशा सवाए के हिसाब से लेना चाहिए। जैसे सवा पाव, सवा किलो, सवाए के अंदर सिंदूर आप क्वांटिटी के अंदर आपको लेना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाते समय आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। लाल अगर नहीं हो तो पीले रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। चौथी बात, शनिदेव की जिसके ऊपर दशा चल रही हो, ढैया चल रही हो, साढ़े साथी चल रही हो, उनके लिए चोला चढ़ाना अत्यंत लाभकारी माना जाता है, शुभ माना जाता है। संकट या रोग दोष दूर करने के लिए चोला जो है वो शनिवार को चढ़ाना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई संकट है, गंभीर रोग से आप पीड़ित हैं, तो अगर आप चोला चढ़ाना चाहते हैं तो शनिवार को चढ़ाइए। वहीं अगर आप अपने जीवन की सुख शांति समृद्धि, घर की सुख शांति समृद्धि, कैरियर के लिए अगर आप चोला चढ़ाना चाहते हैं तो मंगलवार को हनुमान जी का चोला चढ़ाना चाहिए। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब आप मूर्ति के ऊपर सिंदूर लगा रहे हो, चोला चढ़ा रहे हो, तो हमारी जो श्वास है वो कभी मूर्ति पे नहीं लगनी चाहिए। इसलिए मुख के ऊपर कोई कपड़ा रख लीजिए, उसके पश्चात में आप चोला चढ़ाइए। और ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि चोला कभी भी एक या दो नहीं चढ़ाया जाता है। चोला चढ़ाने से पहले यदि आप संकल्प कर ले कि मैं 5 चोला चढ़ाऊंगा, 11 चोले चढ़ाऊंगा, 21 चढ़ाऊंगा, 51 चढ़ाऊंगा, 101 चोले चढ़ाऊंगा, और वो भी कोशिश करें कि लगातार चढ़ाएं, 5 मंगलवार, 11 शनिवार, 21 मंगलवार, लगातार। ऐसा कहा जाता है कि 11 या 21 चोला चढ़ाने से हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं, आपकी सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो संकल्प करें तो कम से कम 11 चोले चढ़ाने का संकल्प करें, निश्चित तौर पर हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। जी, तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से सावधानियां आपको रखनी है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो पंडित जी, ये तो सावधानियां आपने बताई, आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले श्रद्धा पाली से जुड़ गई, उनका कॉल लेते हैं। बेटे के लिए ये जानना चाहती है, 3/6/2000 डेट ऑफ बर्थ है और 2:05 रात का समय, 3/6/2000 और 2:05 रात का समय। श्रद्धा जी बताएं सवाल क्या है। चलिए पंडित जी, आगे सोहेल जी का कॉल ले लेते हैं, ये जयपुर से जुड़ गए हैं। 15 जुलाई 1999 और 5:21 सुबह का समय। सोहेल जी स्वागत है, सवाल कीजिए। सर, मैं अपने नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक सोहेल जी आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, शुक्र की महादशा आपको चल रही है, शुक्र की महादशा में भी चंद्रमा का अंतर चल रहा है। शुक्र और चंद्रमा का जो समय होता है वो बहुत शुभ नहीं माना जाता है। आपके जीवन में शुभता का जो संचार होगा वो सितंबर 2020 के पश्चात होगा, जब शुक्र में मंगल आएगा। जैसे ही शुक्र में मंगल आएगा आपके जीवन में भी मंगल आ जाएगा। समस्या क्या है, आपके भाग्य स्थान का स्वामी शनि नीच का है। यदि आप जीवन में नौकरी का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में धारण करें, शनिवार को शनिदेव के मंदिर में दर्शन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को चूमेगी। जी पंडित जी, चूंकि आज हम चोले की बात कर रहे हैं तो आपने विधि हमें बता दी, सावधानी हमें बता दी, लेकिन चोला हमें तो नहीं उतारना चाहिए, लेकिन जब चोला उतर रहा हो तो वो कितना चमत्कारी होता है, उसकी महिमा हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी दर्शकों को इसको जानना चाहिए। क्या आपको ये पता है कि हनुमान जी महाराज का उतरा हुआ चोला चमत्कारों से भरा हुआ होता है?
जब ये चोला कई वर्षों तक एक के ऊपर चढ़ाया जाता है तो सिंदूर की मोटी परत हनुमान जी महाराज की मूल प्रतिमा पर जमती चली जाती है और फिर किसी दिन अचानक ये चोला अपने आप ही उतर जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज स्वतः ही अपने वस्त्र बदल देते हैं, चोले को उतार देते हैं। यानी ये जो हनुमान जी महाराज पे चढ़ा हुआ जो चोला है सालों बाद उतरता है। इतना ही नहीं, कई बार तो ये सदियों तक नहीं उतरता है, कई पीढ़ियों के बाद कोई इसे उतरता हुआ पाता है। सोचिए इसका उतरना कितना प्रभावकारी होता होगा, प्रभावशाली होता होगा, उतरता हुआ देखना भी सौभाग्य भर देता है। हनुमान जी महाराज का उतरा हुआ चोला घर में रखना धन संपदा प्रदान करता है, एक सिद्ध वस्तु माना गया है। लेकिन ये चोला जब अपने आप उतरे तभी प्रयोग में लेना चाहिए, जबरदस्ती निकाला हुआ चोला आपके किसी काम का नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो चोला कितना महत्वपूर्ण है, कितना चमत्कारी है और कितना लाभकारी है, ये तो आज पंडित जी ने हमें बताया और साथ ही साथ विधि भी उम्मीद करते हैं आपने नोट कर ली होगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो अगर दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, तो सोमवार से गुरुवार आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप कोई विशेष उपाय हमसे जानना चाहते हैं शो के दौरान, तो भी आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।